ਜੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅੱਜ ਦਾ ਤਾਂ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਈ ਰਾਜ ਭਵਨ ਤੋਂ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਫਿਰ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੋ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ ਜੀ ਹੁਣ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕੋਈ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੰਜਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ तो सैशन तो मंजूरी मिल जाएगी पर एक केजरीवाल आम आदमी पार्टी पंजाब के जिहड़े नाटक कर रही है लोगों को समझ आ गई लोगों का ध्यान भटकाने वास्ते ऐसी गल्लां कर रही है देखो भारतीय जनता पार्टी ये कहते सारी सरकार तोड़न फिर दी है खरीदन फिर दी है वो देखो दो MLA ने साडे और दो MLA वाले असी कदे सोच भी नहीं सकते कितने भी नहीं सोचती भारतीय जनता पार्टी प्रजातंत्र के वोट भी मतलब असी सोचते हैं भी असी 27 दे विच साडी सरकार बनावांगे जैनी साहब तुसीं प्रजातंत्र लोकतंत्र की गल की हैगी है तो अरविंद केजरीवाल यही कह रहे हैं कहते डेमोक्रेसी का घाण होया जिस तरह साडी परमिशन वापस ले गई सैशन की नहीं इन्होंने प्रोटोकॉल सही तरीके आपकी अपलाई नहीं की इस करके किया गवर्नर की मतलब है जी गवर्नर ने सैशन बुलाने बुलाओ पर जो चीज़ है उन्होंने फॉलो तो पूरा करो वो एप्लीकेशन दी है दूसरी पार्टियां दीती है भी ये गलत बुला रहे हैं गवर्नर ने तो गल सुननी है कि नहीं सुननी हाँ ठीक है दोबारा ये आपकी प्रोसीजर सही कर गवर्नर मंजूरी दे देनी है जनी साहब जी तो सब तो ज़्यादा विरोधी पार्टी है कांग्रेस के पूरे नैशनल लैवल से उसको लेके क्या कहते भाजपा कांग्रेस मिली हुई हैगी इकट्ठे होकर कहते इन्होंने लैटर्स लिखिया जिस तो बाद सैशन कैंसल होया देखो अलग अलग पार्टी है अपनी जो सत्ता के पार्टी बैठी है गलत काम करते हैं तो अकाली दल ने भी चिट्ठी लिखनी है कांग्रेस ने भी लिखनी है भारतीय जनता पार्टी भी लिखनी जे गलत काम करने तो नत्थ सारे ने पानी है तो क्यों नहीं पानी दसो जो असं उन्होंने तो मंगते हो कि किस आधार से जरा विरोधी गल चक्र है कि किस आधार से बुलाया गया सैशन की ना कोई जरा MLAs गए ने हो किसी पार्टी ना हो कुछ यहोजा है तो उस उन्होंने कहा कि FIR भी तुम तमाम किया FIR अनआइडेंटिफाइड तो हुई है लेकिन इससे उन्होंने कहना है कि जिस तरह भाजपा के गोवा भी तुम कहते हाल चेखिया कांग्रेस से MLAs उधर चल गए होर पार्टी होर स्टेट्स सरकार बनाई होर पार्टीज तो MLAs लेके तो कहते इतने भी उसी तरह करना मैंने एक दसो गल आम आदमी पार्टी के MLA इस तो पहला किन्ने कांग्रेस से गए थे अगर भारतीय जनता पार्टी जो कोई आंदा है तो एलीगेशन लाते हैं कि ED के डर आ रहे हैं किसी आ रहे हैं जो इन्हों के MLA है कांग्रेस के मिले थे तो कि ED का डर से कि गोवा के जेडे MLA कांग्रेस के भारतीय जनता कि वह खरीदे गए हैं ये सारिया नाटक कर रहे हैं और ये आपकी राजनीतिक ग्राउंड जोड़ा है खत्म कर चुके हैं राजनीतिक ग्राउंड पालन वास्ते ये गल कर जानी साहब तुम इतों 11:30 मार्च कड़ना है BJP ने CM हाउस का घिराव करना है उधर जो आम आदमी पार्टी की गल कर लिए सरकार उधर राजभवन का घिराव कर जा रही है तो घिराव कि करूँगे वह तो खुद बहार हो गए उस वे देखो की है कि घिराव असी एक रोस कर रहे हैं भी इन्होंने एलीगेशन लाया है कि इन्होंने साढ़े 25-25 करोड़ खरीदने से सानू टेलीफोन असी कहते लियाओ प्रूफ दो ना फिर असी प्रूफ दो प्रूफ इन्हों को है नहीं एक बिना बजाय एलीगेशन लाना तो फिर कोई फायदा नहीं इनकुआरी का मैटर है इस करके प्रूफ दे नहीं सकते अजे क्यों पहले प्रूफ दोगे तो इनकुआरी होगी लोगों को समझाओ लियाओ दो रिकॉर्डिंग दो किन्ने गल की है तो कराओ FIR असी तो कहने पर झूठा बदनाम क्यों करते हैं इस करके असी यदा रोस लोगों के जागरूक करते हैं कि ये ध्यान भटकाने वास्ते गल कर रहे हैं जेडे वादे किए थे पूरे नहीं कर रहे तो वादे पूरे कराए जाने आए होर किस पुज रहे हैं सोम प्रकाश जी भी आ रहे हैं सर भारतीय जनता पार्टी के जेडी सारे आने लीडर तुम इतने देखोगे कार्यकर्ता जो है पूरे स्टेट तो आ रहे हैं ठीक है कुछ धन्यवाद सर।